बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है जी। सुबह का वक़्त है लाहौर में, तो फजर की नमाज़ पढ़ के भी आया हूँ माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह पाक का। और बारिश हो रही है बहुत बार, कपड़े मेरे सारे गीले हो गए हैं, देखें आप सारा। तो मौसम बहुत प्यारा मौसम है, यकीन माने कि पिछले हफ्ते इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। शुक्र अल्लाह पाक का सुबह फजर के टाइम बारिश हुई है, बड़ा प्यारा मौसम हो गया, सुकून से मज़े वाला। और आप सोच रहे होंगे सखी भाई किधर चले गए, तो इंशाल्लाह मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग किया करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि सखी भाई आपके साथ हैं। ठीक है, तो अब मैंने एडिटिंग पीछे करनी है इंशाल्लाह, और लोगों को खुश करना है, लोगों की हेल्प करनी है मैंने। ठीक है, किसी को वीज़ा वगैरह चाहिए हम, मैं सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। मैं दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, कि दूसरे लोग होते हैं ना वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते आपको, ये कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं बाहर के मुल्क आने का, ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, इंसान की सो मजबूरी है, तो कोई शौक से बाहर के मुल्क नहीं जाता, इंसान की मजबूरियाँ खींच के लेके जाती है। तो यह है कि हम, मेरा खुशी है कि सबकी हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपकी सपोर्ट भी करूँगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखना है, भी आपको तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, और वीज़े वैसे भी आजकल काफ़ी खुले हैं, ओमान का भी खुला, सऊदी अरब का भी खुले, बड़े 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 कंट्रियों के, यूके के भी खुले हैं। अगर आप यूके जाना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन जो है स्पॉट्स बेस पे भी जा सकते हैं आप, 6 महीने का वीज़ा मिलता है, तकरीबन बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें। जैसे हम, मैं हूँ स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, अगर मैं जा सकता हूँ, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 3 लाख 4 लाख, 3 4 5 लाख रुपये आराम से लगता है आपका यूके जाने में। स्पॉट विजिट वीज़ा होता है बहुत आसान सा, तो इंसान वो जो वीज़ा होता है वो आपका लग भी जाता है। तो बस ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरी वीडियो को प्रॉपर देखना है, सपोर्ट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको समझ लगेगी मेरी बात की मैं किधर से बात करना चाह रहा हूँ। और मुझे दे इजाज़त है, अल्लाह।